वेलकम टू माय ब्लॉग दोस्तों, मैं हूं अपने खुद के खेत में और सोयाबीन जो है 95-60 सोयाबीन हमने बुआई करी है इस वर्ष। और अभी तक जो स्थिति है, कंडीशन है, वो बहुत ही अच्छी शानदार देखने को मिल रही है। प्रत्येक वर्ष दोस्तों स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन लास्ट में जाकर के या तो डावाडोल हो जाती है या कभी कभी बीच में डावाडोल हो जाती है। तो अभी सावन का महीना पूरा गुजर चुका है, सावन एंड हो चुका है और सोयाबीन की फसल अच्छी है। अभी भी कंडीशन बहुत शानदार है। सामने वाले कैमरे से मैं आपको पूरी सोयाबीन की कंडीशन दिखाऊँगा, पूरा खेत दिखाऊँगा। फल भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, जो फूल आते हैं वो बहुत ही अच्छे शानदार। और जो 95-60 सोयाबीन है वो मैंने लगाई है। तो अभी की जो कंडीशन स्थिति क्या है वो मैं पूरी आपको सामने वाले कैमरे से दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों तो ये है मेरे खेत की 95-60 सोयाबीन, पूरे ये पूरा प्लाट है। और जो सोयाबीन की स्थिति है वो इस प्रकार से है। इसके अंदर जो फूल हैं दोस्तों वो वाइट फूल आते हैं और ये इस तरीके से आ रहे हैं। अभी तक मैंने इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दवाई का इस्तेमाल स्प्रे नहीं किया है और न ही कोई इल्ली की दवाई, जो थोड़ा बहुत इस प्रकार का जाली नुमा ये जो पत्ते हो रहे हैं इन पर भी मैंने किसी प्रकार के अभी तक तो इल्ली का जो है दवाई का प्रयोग नहीं किया है। तो दोस्तों ये फाल हैं, बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब जो अपन अभी जो फूल आ रहे हैं, फूल आते जो समय है उस समय अगर अपन इस पर इल्ली की जो दवाई होती है उसका अगर स्प्रे करेंगे तो पूरी तरह से जो फाल हैं वो नहीं इतना आ पाएगा और सोयाबीन में जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। तो काफ़ी दवाइयों का स्प्रे बहुत कम करना चाहिए ताकि खेत की जो आपकी मिट्टी है वो भी उपजाऊ लगातार बनी रहे। तो दोस्तों ये पूरा जो प्लाट है बहुत अच्छी अभी कंडीशन, शानदार कंडीशन देखने को मिल रही है। लेकिन एंड तक क्या होता है, कितनी बरसात होती है, किस प्रकार से जो एंड होता है वो तो हमेशा ही हर वर्ष काफ़ी गंभीर रहता है। तो इस वर्ष देखते हैं किस प्रकार का एंडिंग होती है, उत्पादन किस प्रकार से बैठता है, पूरा मैं आपको लगातार दोस्तों बताता रहूँगा। दोस्तों तो अभी तक मेरी जो सोयाबीन की फसल है वो अच्छी ग्रो कर चुकी है, बहुत ही बढ़िया इसकी कंडीशन मेरे को देखने को मिल रही है और शानदार है। इसके अंदर मैंने बिल्कुल कहीं पे 1% भी दवाई का इस्तेमाल, स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं किया है। और जो खेत की उपजाऊ है मिट्टी है उसको अपन जो दवाई का स्प्रे करके वो ख़त्म करते हैं, वो उपजाऊ उसके अंदर फिर नहीं रहती है। तो देसी खाद का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, बाकी जो निराई गुड़ाई है वो लेबर से कराई है, श्रमिकों से कराई है। बाकी जो दोस्तों इल्ली वगैरह का जो प्रकोप है वो उस पर भी मैंने दवाई का स्प्रे नहीं किया है। जितनी इल्ली खाना चाहे वो खा सकती है, उसके अलावा जो बचेगा वो मेरा शेष बचेगा और किसी प्रकार से मैं इस पर स्प्रे करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा। और जब तक अपन दोस्तों एक बार स्प्रे कर देते तो प्रत्येक वर्ष स्प्रे करना पड़ता है और हालत ख़राब होती है। तो जो मिट्टी है, ज़मीन है, उसके अंदर केंचुए रहते हैं, वो केंचुए सारे ही मृत हो जाते हैं उस दवाई की स्प्रे के कारण, जिसके कारण मिट्टी की जो उपजाऊ है दोस्तों वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए दवाइयों का कम से कम स्प्रे करेंगे तो आपकी ज़मीन हमेशा उपजाऊ बनी रहेगी। और देसी खाद हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, अंग्रेजी खाद का कम प्रयोग करेंगे तो अच्छी जो आपकी खेत की जो मिट्टी है उपजाऊ लगातार बनी रहेगी और उत्पादन भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मेरा कुआँ है और कुएं में जल स्तर बढ़ने लगा है और बारिश अच्छी हुई थी अभी सावन के महीने में, झमाझम तेज़ बरसात हुई थी 2-4 दिन, उससे कुएं का जल स्तर बढ़ने लगा है। और मैं आपको बिल्कुल कुएं के अंदर दिखाऊंगा दोस्तों, तो कितना जल स्तर हो चुका है, मैं सामने वाले कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना कुआँ अभी तक आ चुका है। दोस्तों ये मेरा कुआँ है और चारों तरफ को इसको सीमेंटेड से पूरा तरह से चारों राउंड से पूरा पक्का बनाया हुआ है। साथ ही जो इसके अंदर दोस्तों पानी है वो पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, लगभग ये 48 फीट का कुआँ है और अभी जो खाली होगा वो लगभग जो है 20 फीट और खाली है। तो धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार अच्छी बारिश हुई उसके कारण जलस्तर काफ़ी ऊंचा आ चुका है और इससे तो बिल्कुल इस वर्ष की जो सप्लाई है पानी की वो लगभग होने की पूरी संभावनाएँ लग रही हैं।